नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही अगले मिशन की तैयारियों में सियासी दल जुट चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है, असंतुष्ट नेताओं को मनाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 3 दिनों से लगातार विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। ये वो विधायक हैं जिनकी अपनी विधानसभा में सक्रियता कम है और जनता इन विधायकों से नाराज है। विधायकों की सक्रियता बढ़ाने और इसके साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायकों को उनका रिपोर्ट कार्ड भी बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शनिवार से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और संगठन के नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे और असंतुष्ट नेताओं को मनाएंगे। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी अपनी जनसभाओं और दौरे और बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। दिग्विजय सिंह लगातार उन सीटों का दौरा कर रहे हैं जिन सीटों पर कांग्रेस को लंबे समय से हार मिल रही है। कांग्रेस ने ऐसी 66 सीटें सिलेक्ट की हैं जिसे कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी है और दिग्विजय सिंह ऐसी विधानसभा सीटों पर सेक्टर, मंडलम, बूथ और संगठन मोर्चा की बैठक ले रहे हैं। कमलनाथ भी लगातार अपने निवास में, मध्य प्रदेश कार्यालय में मोर्चा संगठन और हर एक जाति वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग संभागों में कमलनाथ के दौरे भी देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टी जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक वादे करती नजर आ रही हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बीजेपी नेताओं का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, जरा आप वो भी सुन लीजिए। सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को, जो असंतुष्ट नेताओं को ही जवाबदारी दी गई थी असंतुष्ट नेताओं को मनाने की, वह अभियान असफल हो चुका है। अब उनसे चर्चा करने के लिए बीएल संतोष साहब आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी भी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। तो बड़ी पेचीदगी के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है कि जिन मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड बिगड़ा हुआ है वो दूसरे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। हास्यास्पद है, एक राजनीतिक मजाक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संवाद का सतत कार्यक्रम चलता है, सतत। ये कोई चुनाव को देखते हुए या कोई नाराजगी से जोड़ना गलत होगा कि नाराजगी, ये तो सतत संवाद का काम चलता है। ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी कि कमलनाथ जी अपने विधायकों मंत्रियों को कहते थे चलो चलो। यहाँ तो सतत मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी जनप्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से, जनता से संवाद करते हैं। सरकार की जो योजना है उसके बारे में बताते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, कोई कमी पेशी हो तो उसको दूर करते हैं, तो निश्चित तौर पर रणनीति बनाते हैं। तो ये तो सतत पूरे वर्ष भर चलता है। ये इसको नाराजगी से, चुनाव की दृष्टि से, मोदी जी के दौरे से जोड़ना गलत होगा। ये तो सतत कार्यक्रम है जो सतत चलता है। भारतीय जनता पार्टी समन्वय और संवाद में विश्वास करती है। कांग्रेस की तरह थोड़ी कि कमलनाथ जी वल्लभ भवन से बाहर ही नहीं निकलते थे और जो आता था उसको भी चलो चलो कर देते हो तो सरकार भी चलो चलो में सड़क पे आ गई। तो ये भाजपा की कार्यशैली अलग है, भाजपा सतत संवाद और समन्वय पे काम करती है। तो इन चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपने बयानबाजी जिस तरीके से सुन ली कि किस तरीके से लगातार प्रदेश में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। लगातार अगर सरकार को लेकर बात करें तो सरकार बनाने के दावे भी पेश किए जा रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, तो वहीं जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं सत्ता पक्ष से ही करना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, अगर हम मौजूदा हालातों को लेकर बात करें, जिस तरीके से लगातार अगर प्रयास को लेकर बात की जाए तो प्रयास शुरू हो चुके हैं दोनों ही दलों की ओर से, किस तरीके से आप लोगों की ओर से प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, सुरेंद्र जी? आप अगर ये बात करते हैं कि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, यह कहना गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी साल में 365 दिन सक्रिय रहने वाला संगठन है। लगातार हमारे कार्यक्रम गतिविधि चलते हैं। आपको अगर याद होगा तो एक साल पहले हमने बूथ विस्तारक अभियान चलाया था, उस समय हम बूथ तक गए, हमने बूथ समिति बनाई, पन्नापुर बनाया, और इस साल फिर फरवरी मार्च में हमने बूथ विस्तारक अभियान 2 चलाया। लगातार हमारे कार्यक्रम, हमारी गतिविधि, हमारी बैठकें, जनता से हमारा संवाद संपर्क, कार्यकर्ताओं से हमारा संवाद संपर्क हमारी कार्यपद्धति की विशेषता है। ये कांग्रेस थोड़ी है कि चुनाव आया तो जैसे बरसात में मैडम आते हैं वैसे कांग्रेसी लोग उतर आते हैं। दिग्विजय सिंह को 66 सीटों की यादव आ गई, अब जनता के बीच जा रहे हैं। 5 साल पहले वो नर्मदा परिक्रमा करने निकल पड़े थे,
तो चुनावी और प्रसादी मैडम ये कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी सतत जनता के बीच में रहने वाला, जनता का संगठन, जनता के लिए संगठन भारतीय जनता पार्टी है। हम अपनी कार्यपद्धति के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर, अपने नेतृत्व के आधार पर सदैव जनता के संपर्क में रहते हैं और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ जनता को कैसे मिले उसके लिए हमारे कार्यकर्ता प्रयास करते हैं। इसलिए कोई हमारी मौसमी गतिविधि नहीं है। अगर मौसमी गतिविधि किसी की है तो कांग्रेस के, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। जी चलिए ठीक है। जितेंद्र जी, आप लोगों का क्या कुछ मास्टर प्लान है, किस तरीके से जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? जिस तरीके से 66 सीटों को लेकर भी एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर काम किया जा रहा है। जितेंद्र जी देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही है, हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जैसा अभी आपने बताया, कमलनाथ जी के दौरे हर संभाग में हो रहे हैं, हमने घर घर चलो के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में घर घर में जाकर के जनता को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की नीति है जिससे कि आज प्रदेश पिछड़ा हुआ है। हमने जन जागरण माध्यम चौपालों में जाकर के एक एक चौपाल में छोटी छोटी सभाओं कर करके बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से मध्य प्रदेश के साथ धोखा किया है। हमने गांधी चौपाल लगाई है ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के ये बताया है कि कमलनाथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या अंतर था और उसका प्रतिशत हमें मिला। आपने देखा नगर निगम चुनाव में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी 16 के 16 नगर निगमों पर बैठी हुई थी, लेकिन जनता ने जब अंतर समझा, जनता ने जब दोनों सरकारों के बीच में फर्क समझा तो भारतीय जनता पार्टी से 9 नगर निगमों में जाकर के जीत हासिल की। कांग्रेस ने 5 में जीत हासिल की, 2 में निर्दलीय और 2 में हम 300 वोटों से हारे। ये हमारी सफलता है, ये हमारा अभियान जो चला, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की, उसका परिणाम आपके सामने आ गया। जिला पंचायत के चुनाव देख लीजिए, आप जनपद के चुनाव देख लीजिए, किस तरीके से मंत्रियों ने भोपाल जैसी राजधानी की सीट पर आपने देखा टेंडर वोटिंग की, जबरदस्ती जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, वो भी आपके सामने सारी चीजें आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब हम क्या जवाब देंगे, इसलिए मुख्यमंत्री लगातार विधायकों को बता रहा है और उस रिपोर्ट कार्ड को सामने रख रहे हैं, क्योंकि सर्वे हमने नहीं कराए, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे, आरएसएस का सर्वे, जिसमें 65 और 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आई। आप जैसे अनेकों चैनलों में सीट को दिखाया, मेरा ये कहना है कि आज 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देना निश्चित तौर पर सरकार के लिए काम करना था, गरीबों के लिए काम करना था और सरकार ने करके दिखाया, इसलिए आज कमलनाथ को मजबूती मिल रही है, कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। आप ये बताइए, गाय के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही, गौशाला की याद नहीं आई? जब कमलनाथ ने गौशाला की बात की तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि जिसके नाम पे हम राम के नाम पे राजनीति आप करते रहे, राम बन गमन पथ के नाम पे 1 रुपए का बजट, सुरेंद्र जी आ रहा हूं, हमने राम बन गमन पथ के नाम पर बजट स्वीकृत किया, मध्य प्रदेश के लिए महत्वाकांक्षी योजना है, पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास की योजना साबित होती है। आप देखिए महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए कितने सालों से आप सरकार में बैठे थे, आपको महाकाल की याद नहीं है? जब 300 करोड़ रुपए सरकार में कमलनाथ सरकार ने स्वीकृत किए तब जाकर के महाकाल के जीर्णोद्धार की बात हुई। मेरा ये कहना है कि सरकारें बनती क्यों, कल्याण के लिए बनती है, लोगों के कल्याण के लिए। आपने लूटने का काम, घसोटने का काम शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार 40% कर्नाटक में था, आज मध्य प्रदेश की जनता से पूछिए 50% सरकार, 50% कमीशन की सरकार मध्य प्रदेश सरकार कह रहा नहीं, घोटालों के नाम पर क्या है आपने ठीक देखा? है ठीक है, व्यापम से जितेंद्र जी आरोपों के लिए लंबी है, ठीक है दोबारा आऊंगा, ठीक है दोबारा आपके पास आऊंगा। इस बीच सुरेंद्र जी भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुरेंद्र जी अपनी बात रखिएगा आप, लेकिन सवाल इस बीच है कि ये भी रहेगा, जिस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्या सुरेंद्र जी आपको लगता है कि जो नाराजगी इस वक्त नेताओं के बीच देखने को मिल रही है, क्या वो नाराजगी आने वाले समय में आप लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर नाराजगी को लेकर बात करें तो नाराजगी इस वक्त है जब चुनाव बिल्कुल सर पर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और ऐसे में नेताओं का नाराज होना वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। लोगों के अपने अपने मत होते हैं, ऐसी नाराजगी वाला कोई विषय नहीं है, और कोई नाराजगी को मनाने के लिए, और दूसरा जो कांग्रेस के लोग अफवाह फैलाते हैं, कौन सा सर्वे, जितेंद्र जी कब संघ की शाखा में जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जितेंद्र जी कितना जानते हैं, संघ इस प्रकार के कोई सर्वे नहीं कराता, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, 12 साल प्रचारक रहा हूँ, संघ के इस प्रकार के कोई सर्वे नहीं होते। मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, विकास की कौन सी योजना होना चाहिए, हम समग्र रूप से प्रदेश के विकास की और आगे क्या कर सकते हैं, ये पता नहीं किस कमीशन की बात करते हैं, कांग्रेस का हर नेता 50% कमीशन, 50%, अरे आपकी सरकारों में कमीशन चलता था, दलाली करती थी, आपको कमीशन दिख रहा है, और ये स्वीकार कर रहे हैं कि वहां का लोग कमलनाथ जी ने बनवाया है, तो क्या कमलनाथ जी मोदी जी के कहने पर काम करते हैं?
ये भी उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सारे बातें 12 ज्योतिर्लिंगों को उद्धार योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, और अगर कमलनाथ जी ने बनवाया है तो क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कांग्रेस ने बनवाया जी, केदारनाथ कोई है तो धाम भी कांग्रेस ने बनवाया। ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें प्रदेश सरकार सहयोग कर रही है, और इन्होंने किया है तो अच्छा काम किया है, लेकिन ये भी स्वीकार करना चाहिए कि कमलनाथ जी मोदी जी के साथ इशारे पे काम करते हैं, इसको स्वीकार करेंगे। और आप किस कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं? जो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पार्षद जीता पाए, उन्हीं के विधानसभा में कल ही परिणाम आया है जी, तो कमलनाथ जी प्रदेश का जिताएंगे? इनके पास ना नीति है ना नेता है, कल झूठ बोलने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये गौशाला की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की सरकार में चरनोई की भूमि किसने आवंटित की, किसने बांटी? नहीं तो मध्य प्रदेश में पर्याप्त जगह थी गौ माता चरने के लिए, आपकी सरकार ने वोट बैंक की खातिर गौ माता की जमीन को समाप्त करने का पाप किया है, उसकी सजा आपको भुगतना पड़ी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए कृतसंकल्पित है। मैं भी बैठक में परसों था, हमारे जिले की बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी, उन्होंने ये पूछा आप अपने जिले के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं, आप लोग योजना बनाइए, सरकार सहयोग करेगी, हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हुआ है, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, हम बूथ समिति हमने गठित की है, पन्ना प्रमुख हमने बनाया, हम पन्ना समिति तक गठित कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए पन्ना समिति बनेगी तो सीधे सीधे एक विधानसभा में 60,000 लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ेंगे, क्या कांग्रेस की हिम्मत हमारा सामना करने की? हम संगठन तंत्र के आधार पर, प्रदेश की नीतियों के आधार पर, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे चमत्कारी नेतृत्व है, शिवराज जी जैसा कर्मियों के नेतृत्व है, उसके आधार पर, सुशासन के आधार पर, 17 साल के काम के आधार पर, विकास के आधार पर, जो दिग्विजय सिंह ने गड्ढों वाला प्रदेश, जो दिग्विजय सिंह ने अंधेरों वाला प्रदेश हमको छोड़ा था, आज जो प्रदेश सुयाले में जा रहा है। मैं अभी राजगढ़ में बैठा हूँ, राजगढ़ जिले में लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, 9 महीने पलायन रहता था, आप मोहनपुर बांध पर होकर तो आइए, क्या उसका दृश्य है, क्या उसके विकास? 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि राजगढ़ जिले की सिंचित हो रही है, लोगों के जीवन अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। और मतलब सुरेंद्र जी, जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन बातों का निचोड़ निकाला जाए तो जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के आधार पर आप लोग जनता के बीच जाएंगे, और आपका कहने का मतलब यही है कि जनता उसी के आधार पर आप लोगों को एक्सेप्ट करेगी। जितेंद्र जी, इसी सवाल पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर प्रदेश सरकार को लेकर बात कर लें, सुरेंद्र जी सत्ता पक्ष की ओर है तो सत्ता पक्ष की ओर गिनवाने के लिए तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से उन्होंने तमाम योजनाएं बताई हैं उन योजनाओं के आधार पर सत्ता पक्ष अपना प्रचार कर रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन जितेंद्र जी, वहीं अगर बात आप लोगों को करें लेकिन विपक्ष को लेकर करें, तो विपक्ष के पास चीजें गिनवाने के लिए कम है सत्ता पक्ष के मुकाबले, तो किस तरीके से मुकाबला टफ होगा आप लोगों के लिए, किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे बातों को लेकर? नहीं देखिए, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के 18-19 साल की सरकार आप देखेंगे तो इसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है जी। आज किसके किस चीज की और कौन सी योजना गिना रहे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आप हमसे 15 महीने की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और 18 सालों की सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी कहते हैं कि आरएसएस ने कोई सर्वे नहीं करा, अरे आरएसएस तो कहती है कि हम तो सामाजिक संगठन है, हमें राजनीति से क्या लेना देना, लेकिन क्या करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आप सामाजिक संगठन है तो आपको अपनी सदस्यता की बताना चाहिए कि हम सदस्यता करते हैं कि नहीं करते। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है 15 महीनों की सरकार और 18 सालों की सरकार जनता समझ चुकी है, क्योंकि उसने 15 महीने की सरकार देख ली, उसे मालूम है 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे सकती है, ये भी दे सकते थे, लेकिन इनको तो पैसा लेने की ज्यादा जल्दी रहती है, इसलिए पेट्रोल डीजल पर आपने पैसा कम नहीं किया जबकि कच्चा तेल सस्ता था, लेकिन राहत देने लेकिन लेकिन जितेंद्र जी लेकिन जितेंद्र जी जिस तरीके से आपने 100 रुपए में बिजली देने की बात कही है, मुफ्त बिजली देने की बात कही है, यही वादा आप लोगों ने कर्नाटक में भी किया था, और कर्नाटक में जैसे ही सरकार आई, जैसे ही इस वादे को इंप्लीमेंट किया गया, तो जो लोग बिजली बिल भरते हैं, यानी कि जो लोग पात्र नहीं थे, जिन लोगों को फ्री बिजली नहीं दी गई, उनका प्रति यूनिट में बढ़ोतरी जो है देखने को मिली, 60 से 70 पैसे तक की बढ़ोतरी जो है कर दी गई तुरंत ही, वो कहां देखा जाए कि एक तरफ आप लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी तो इनकी पिसती हुई नजर आई। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश में 100 यूनिट पर 100 यूनिट के 100 रुपए के बिल आए कि नहीं आए, आपने देखा सारे लोगों के पास 100 यूनिट की बिजली में 100 रुपए के बिल। जितेंद्र जी, मैं उस बात से मना नहीं कर रहा, जितेंद्र जी मैं उस बात से मना नहीं कर रहा, मैं जो वादा आप बता रहे हैं उसी वादे का जिक्र कर रहा हूं मैं जो कर्नाटक में आप लोगों ने वादा किया। कर्नाटक में सरकार बनते मुफ्त बिजली दी आप लोगों ने,
निश्चित तौर पर मैं आपको हाँ बता रहा हूँ, सवाल यही था, आपने निश्चित तौर पर कहा, सवाल यही था, जहां एक और मुफ्त बिजली दी तो वहीं कर्नाटक में ही यही है। शायद आपको पता ना हो तो मैं बता रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं उसे, कि जहां आप लोगों ने जो वर्ग मतलब लाभान्वित हुआ उसको तो लाभ दिया आप लोगों ने, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली थी उसके ऊपर भार पड़ गया ये वाला 60 से 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आप लोगों ने बिजली की दरें वहां बढ़ा दी। फिर देखिए, अंतिम व्यक्ति के व्यक्ति को राहत पहुंचाने की दिशा में सरकारों को काम करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, 500 रुपए में अगर सिलेंडर उपलब्ध कराने की हमने गारंटी ली है तो निश्चित तौर पर उसके बजट का भी कहीं ना कहीं प्रावधान रखा गया। चलिए, कोई ऐसी हवा हवाई जैसी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जितेंद्र जी, चीजें पैरेलल होनी चाहिए, पड़ला जो है बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलती चली जाएं और एक व्यक्ति को आप कुएं में धकेले। ठीक है, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? सुरेंद्र, देखिए दोबारा आऊंगा, दो बार मैंने सवाल किया, कर्नाटक वाला आपने जवाब नहीं दिया। सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी की बातों पर मुझे हंसी आ रही है जी, और एक पुराना डायलॉग याद आ रहा है कि मेरी मौसी के मूछें होंगी तो उसको मामा कहूंगी। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है तो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, आपकी सरकार राजस्थान में है, आप वहां क्यों 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दे रहे हैं? आपने कर्नाटक में बिजली के दाम बढ़ा दिए, आपने हिमाचल में भी वादा किया था वहां बिजली के दाम बढ़ा दिए। आप केवल ढपोंसन की बातें करते हो, जनता को लूटने का काम करते हो, जनता को धोखा देने का काम करते हो। मध्य प्रदेश में आपने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 की राशि देंगे, आपने एक पहन को नहीं दिया। आपके राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि हम 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री बदल लेंगे। अब इनकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी को मध्य प्रदेश बुलाने की, इसलिए प्रियंका गांधी को बुलाते हैं क्योंकि वो टेस्ट में रिजेक्टेड हो गए। आपने 18 साल के हिसाब की बात करते हैं, हम 18 साल का हिसाब लेकर जाएंगे। हमने लाडली लक्ष्मी योजना दी, हमने गांव की योजना दी, हमने विजयराज सिंधिया जन जननी कल्याण की योजना दी, हमने किसान सम्मान निधि, हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दी, हमने 0% पर ब्याज किया। क्योंकि दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो 18% ब्याज लगता था, हमने 18% से पहले 8%, फिर 4%, फिर 0, अब तो -10 है। 1,00,000 रुपए किसान ले जाए बैंक से और 90,000 वापस कर जाए, ब्याज 0, किसान हीरो। भारतीय जनता पार्टी इनके शिवराज सिंह की सरकार ने किया, हमने गाँव गाँव सड़कें दी है, हम शुद्ध पेयजल दे रहे हैं, हमने अस्पताल दिए, हमने विद्यालय में शिक्षक दिए, हमने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। आपने तो केवल खोखले वादे किए 15 महीने में। लेकिन सुरेंद्र जी, इस बीच आपने बड़ा आरोप लगाया, इस बीच आपने सुरेंद्र जी बातों बातों में आपने मुझे लगता है बड़ा आरोप लगा जितेंद्र जी से, मैं जवाब ले लेता हूं उस पर। राहुल गांधी जी को लेकर जिस तरीके से जिक्र किया कि झूठा वादा करके चले गए इसलिए आने रहे प्रदेश में, जितेंद्र जी देखिए मेरा ये कहना है कि अगर कर्ज माफी नहीं होती किसान की तब तो आप आरोप लगाते। पहले दिन पहला हस्ताक्षर हुआ था तो किसान कर्ज माफी को हुआ था, और इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, इस बात की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सदन में खड़े होकर कहता है, कमलनाथ की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। इसके बाद भी अगर कोई सवाल बचता हो तो मुझे बताइए आप, आपने क्या किया? अगर आपने सही काम किया होता तो आज ये फाइलें नहीं जल रही होती, आपने कितने अग्निकांड कराए हैं, ये सारी की सारी ईओडब्ल्यू और सीबीआई की जो जांच की फाइलें वो क्यों जलाना पड़ी? वो इसलिए जलाना पड़ी कि सिंहस्थ में 1,800 रुपए में बाल्टी और 1,300 रुपए में बग्गा खरीदा श्रीमान जी, 6,000 रुपए रोज में किराए से लैपटॉप लिया है आपने। ये आपकी कार्य प्रणाली है, ये आपकी सरकार चलती है। आज समझ में आ गया है कि 51,000 रुपए कन्यादान में बढ़ाए हमने, हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई, हमने विधवा पेंशन बढ़ाई, हमने वो सब काम किए जो गरीब और मजदूर के लिए ठीक है, ठीक है, काम 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 तमाम किए गए हैं। ठीक है जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, 15 महीने के सरकार में जिस तरीके से दावे आप लोगों को से तमाम किए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं रोडमैप जान लेता हूं, 2 मिनट लास्ट बचे हुए हमारे पास। सुरेंद्र जी, क्या रोडमैप है आप लोगों का? जल्दी से उस पर चाहूंगा मैं जवाब कम शब्दों में। हम 18 साल की हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, 9 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन की योजनाएं, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने की हमारी योजना, उनके आधार पर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, शिवराज जी का चेहरा, उनका काम, भारतीय जनता पार्टी की योजना, इसके आधार पर चुनाव में जाएंगे और पहले से ज्यादा सीटें लाकर जो हमारा लक्ष्य है, पहले से ज्यादा सीटें लाने का दावा सुरेंद्र जी ने किया। ठीक है, पहले से ज्यादा सीटें लाने का दावा सुरेंद्र जी ने किया। जितेंद्र जी आपका रुख करूंगा, रोड मैप सीधे सीधे कम शब्दों में जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए सबसे पहली चीज तो आज जनता का मूड देखने की जरूरत है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई कहां है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो अब भ्रष्टाचार की बात, अब भ्रष्टाचार के क्या आलम है, आपने देखा 50% कमीशन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। कमलनाथ सरकार ने जो 15 महीने में काम किए, कर्ज माफी हो,
कन्यादान योजना हो, गौशाला हो जी, चलिए मतलब एक एक तरफ 15 महीने की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर चुनाव उतरने की बात कही जा रही है, तो एक तरफ 18 साल के कामों को गिनवाने की बात कही जा रही है, साथ साथ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त भी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो जिस तरीके से जहां एक ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और 18 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उन योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर 15 महीने की शॉर्ट टर्म सरकार में जो काम किए गए हैं उन कामों को जनता के बीच रखने का दावा किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा जनता किसे हाथों हाथ लेती है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, धन्यवाद।